जी बच्चे, अभी आपने फार्मूला जो देखा है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड एन माइनस वन स्मॉल एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर, और अभी एक और फार्मूला भी मैंने आपको शो किया था, दैट इज़ ऑन पेज वन जी, दैट इज़ काई स्क्वायर एन माइनस वन एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर और इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स पावर का होल स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इसकी डेरिवेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो अगर आप इसको देखें तो अब आपका वेरियंस का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है एस स्क्वेयर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर ओवर एन। तो अगर हम इसको सिंपली इसमें अगर एन जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और अगर हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म जो है इसकी बन जाएगी एन एस स्क्वेयर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर। ये वही फॉर्म है आप जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एन एस स्क्वेयर की जगह पे उन्होंने रिप्लेस कर दी है इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर। अब आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा ये इसके इक्वल कैसे है। अदर फार्मूला कि अगर आप इस फार्मूला में देखें तो ये एन माइनस वन यूज़ कर रहा है, तो मैंने इसके साथ भी ऐसे लिख दिया है कि अगर स्मॉल स्केयर आप यूज़ करते हैं मीन्स अनबाइस्ड वेरियंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके फार्मूला में डिनोमिनेटर में एन माइनस वन आता है और फिर वो एन माइनस वन स्केयर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स पार का होल स्केयर इक्वल हो जाता है। तो मीन्स अगर आप समेशन एक्स माइनस एक्स पार होल स्केयर वाली फॉर्म यूज़ करें तो वो दोनों केसेस में सेम ही हो जाती है। ओके, अगर हम इसकी थोड़ी और डिस्क्रिप्शन देखें तो जो है हम हाइपोथेसिस हमने देख लिया है कि अल्टरनेट और जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो तीन ऑप्शंस हमने देखी हैं। इसकी कुछ एग्जांपल अगर हम देखें कि किस तरह से जो है हम इसको ले सकते हैं, तो हमारे पास जो है जी एक एग्जाम्पल है कि मैथ्स इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन हाउ देयर स्टूडेंट्स डू ऑन एग्जाम्स, कि कोई भी इंस्ट्रक्टर चाहे वो मैथ्स का, या जैसे मैं खुद आपके अगर मैं एग्ज़ाम लेती हूँ तो मैं सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगी कि आपके ऑन एवरेज पेपर्स एग्ज़ाम कैसे हैं, बल्कि मैं इसलिए इसके साथ भी कंसर्न होंगी कि आपकी क्लास की वेरिएशन कितनी है, मीन्स से मीन्स के स्टूडेंट्स के स्कोर ऑन एवरेज जो मीन स्कोर है उससे कितना वेरी कर रहे हैं। तो टू मैनी इंस्ट्रक्टर्स द वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन द एवरेज। तो अगर हम इसकी हाइपोथेसिस बनाना चाहें तो इसको आगे देखते हैं। सपोज अ मैथ इंस्ट्रक्टर बिलीव्स दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर हिज फाइनल एग्जाम इज़ 5 पॉइंट्स, मीन्स कि वो उसके ख्याल में कि जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी कि मीन्स जो स्टूडेंट स्कोर्स लेंगे उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो 5 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, कि जो ऑन एवरेज स्कोर्स आए हैं उससे किसी के 5 पॉइंट ज़्यादा होंगे किसी के 5 पॉइंट्स कम होंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 40 में से अगर हमारे पास 32 मार्क्स जो हैं वो ऑन एवरेज एवरेज हमारे पास 32 आई है फॉर एग्जांपल, तो इंस्ट्रक्टर का बिलीव कर रहा है कि 5 पॉइंट ज़्यादा या 37 या 5 पॉइंट्स कम 27 या 26 इस तरह से जो है वो स्कोर्स होंगे। वन ऑफ द हिज बेस्ट स्टूडेंट्स थिंक्स अदरवाइज एंड द स्टूडेंट क्लेम्स, जबकि स्टूडेंट क्या क्लेम कर रहा है दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन 5 पॉइंट्स, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 पॉइंट से ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं कि हर स्टूडेंट के या 5 पॉइंट ज़्यादा है या 5 पॉइंट कम है, बल्कि डिफरेंट वेरिएशन हैं। तो इफ़ द स्टूडेंट्स वर टू कंडक्ट अ हाइपोथेसिस टेस्ट वट वुड द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथिस भी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हम इसमें हाइपोथिस बनाना सीख रहे हैं कि अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन है तो हमें हाइपोथेसिस को डील कैसे करना है। एक तो स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें पता चल गया है कि ये जो स्टेटमेंट है वो मीन या मीन की टेस्टिंग की नहीं है, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग की नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन की बात हो रही है, वेरिएंस की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हमने सेट की है वेरियंस के लिए, और ये चीज़ एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है वेरियंस का स्क्वायर टर्म होती है, अगर आप वेरियंस उसका स्केयर टर्म है, तो यहाँ पे मोस्टली जो हाइपोथेसिस में वेरियंस यूज़ होता है नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिंपल दी गई है तो आप क्या कर सकते हैं दोनों साइड्स पे स्केयर कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वेरियंस कंसिडर हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस में उसने अगर जो स्टूडेंट का क्लेम था उसकी बेस पे अगर हम हाइपोथेसिस बनाएं तो स्टूडेंट की का क्लेम था दैट द स्टूडेंट क्लेम्स दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन 5 पॉइंट्स, तो मोर देन 5 पॉइंट्स है तो सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 5, और आपको पता है इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है और क्लेम है, तो आप किस इसको किस में रखते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाई है, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताई हुई थी और हम यहाँ पे वेरिएशन ले रहे हैं।
और ऑब्वियसली जब यहाँ पे ग्रेटर है तो इसकी अल्टरनेटिव क्या बनेगी, सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बन जाएगी। ये जस्ट अभी आपको मैं नो हाउ दे रही हूँ कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं तो हमें इसकी हाइपोथेसिस को, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कैसे करना है। ओके, लेट्स लुक एट एन अदर एग्जाम्पल। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो इसमें ये कह रहा है जी कि tried a scuba instructor wants to record the collective depths each of his students dive during their checkout. Scuba instructor मतलब ये जो diving या swimming वगैरह जहाँ पे instructor जो सिखा रहे होते हैं, वो कह रहा है कि उसके instructor ने जो record collect किया या वो तो उसका record के according he is interested in how the depths vary even though everyone should have been at the same depth. के on average वो कह रहा है same depth पे होना चाहिए सबको जो students dive कर रहे हैं, but वो फिर भी interested है कि individual स्टूडेंट्स की वेरिएशन देखें कि जो वो डाइव करते हैं स्विम करते वक्त या डाइविंग करते वक्त तो उनकी डेप्थ्स में कितनी वेरिएशन है। ही बिलीव्स दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 फीट। उस इंस्ट्रक्टर के बिलीव है कि वो जो जब डाइव करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या जो वेरिएशन है वो 3 फीट है। हिज असिस्टेंट थिंक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन द 3 फीट, जबकि उसका असिस्टेंट का ख्याल है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लेस देन 3 फीट है। सॉरी बच्चे, if the instructor were to conduct a test what would the null and alternative hypothesis। ab instructor ke claim ko agar hum dekhe ya agar hum iski statement pe ki base pe hypothesis banana chahe to hypothesis hamare paas kya banegi ke assistant kya keh raha tha ki standard deviation less hai, standard deviation less hai to as in the previous case hum yahan pe kyunki variation ko kar rahe hote hain to hum yahan sigma square lenge aur uske claim ke according less hai to humne less ka sign laga ke 3 square aur isko phir again humne ऑल्टरनेटिव में रखा है। इसके अगेंस्ट जो आपने एच नॉट बनाया है वो यहाँ पे इसने इक्वलिटी का साइन रखा है। ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि दोनों तरह के केसेस आप रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव में लेस है तो आप एच नॉट में इक्वलिटी की बजाय ग्रेटर इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इक्वल का साइन यूज़ करें, ग्रेटर इक्वल का साइन यूज़ करें, ये दोनों में जो है वो एक ही बात है। तो आई थिंक इससे आपको आइडिया हुआ होगा कि हम जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो किस तरह से जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ एक एग्जांपल देखें, अब प्रॉपर स्टेप्स के साथ अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट है विद इंडिविजुअल लाइन्स एट इट्स वेरियस विंडोज a post office finds that the standard deviation for waiting times for customers on Friday afternoon is 7.2 minutes. कि किसी post office में various windows पे जो individual की line लगी होती है, means वो किसी भी काम के लिए आए हैं post office में, तो Friday noon अगर उन्होंने देखा कि जो customers जो उन्हें wait करना पड़ता है windows के सामने कि उनका turn आए, वो उसका standard deviation है 7.2 minutes। ठीक है जी, ये क्ले स्टैंड डिविशन हमें दिया हुआ है। द पोस्ट ऑफिस एक्सपेरिमेंट्स, अब पोस्ट ऑफिस एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि क्या ये जो बताया गया है स्टैंड डिविएशन या ये जो क्लेम किया गया क्या वाकई ऐसे है, तो उसके लिए उन्होंने एक सर्वे किया सैंपल लेके। द पोस्ट ऑफिस एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंगल मेन वेटिंग लाइन एंड फाइंड्स दैट दैट फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 कस्टमर्स। अब यहाँ से रैंडम सैंपल की बात स्टार्ट हो रही है। रैंडम सैंपल ऑफ 25 कस्टमर्स द वेटिंग टाइम्स फॉर कस्टमर हैव अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.5 मिनट्स ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून। उन्होंने जो 25 कस्टमर्स के साथ रैंडम सैंपल किया है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.5 आ रही है। तो उसने कहा विद अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5% टेस्ट द क्लेम दैट अ सिंगल लाइन कॉजेज लोअर वेरिएशन अमंग वेटिंग टाइम्स फॉर कस्टमर्स। अच्छा, उसने क्लेम क्या कहा है कि सिंगल लाइन जो है causes lower variation among waiting times for customer, कि अगर सिंगल लाइन है तो उसमें वेरिएशन जो है वो लो है, क्योंकि हमें वैल्यू से भी नज़र आ रही है ऊपर 7.2 थी वेरियस विंडोज़ पे और सिंगल लाइन पे 3.5 है। ये अभी उसका क्लेम है, जस्ट हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो सिंगल लाइन causes lower variation, तो हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे क्या रखा है, दिस इज़ टेस्ट। अच्छा, ऑब्वियसली वो कह रहा है कि सिंस द क्लेम इज़ दैट सिंगल लाइन कॉजेज लेस वेरिएशन, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो वेरियंस की टेस्टिंग की स्टेटमेंट है। द पैरामीटर इज़ द पॉपुलेशन वेरियंस, ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल इसमें हमारे पास ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन, वेटिंग टाइम हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, एच नॉट। अब हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना जा रहे हैं। तो क्लेम उसने क्या किया था कि सिंगल लाइन कॉजेज लोअर वेरिएशन,
तो हमने क्या रखा, सिग्मा स्क्वायर लेस देन 7.2 स्क्वायर, क्योंकि वो क्लेम ये कर रहा है। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे 3.5 की वैल्यू नहीं डालनी, वो बचे सैंपल की वैल्यू है, और आप हमेशा जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पैरामीटर की वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्लेम के अकॉर्डिंग हमने हाइपोथेसिस बनाया कि सिग्मा स्क्वायर लेस देन है 7.2 स्क्वायर, आपको फिर बार बार बता रही हूँ, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही थी और हमारे पास जो जनरल प्रोसीजर में वेरिएशन को हम वेरियंस को सॉरी डिस्कस करते हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, जब हमने इधर लेस लिया तो नल हाइपोथेसिस उसका ऑपोजिट होता है, तो हमने उसको ग्रेटर और इक्वल ले दिया। ये कह रहा है जी, वर्ड लेस टेल्स यू दैट दिस इज लेफ्ट टेल टेस्ट, मींस आपको पहले भी बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड करता है कि ये टेस्ट जो है वो वन टेल्ड होगा या टू टेल्ड होगा, और अगर वन टेल्ड टेस्ट है तो वेदर इट इज ए लेफ्ट टेल टेस्ट और ए राइट टेल टेस्ट। इसके साथ इसने जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चे कैसे निकालते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी जो है वो एन माइनस वन है फॉर काई स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल होती है जी, एन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड, जितने पैरामीटर्स आप एस्टिमेट करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। अगर आपने मैंने आपको असाइनमेंट में जो टी टेस्ट का क्वेश्चन दिया था, या आपने क्लास में भी हमने टी टेस्ट को जब डिस्कस किया था, शायद आई थिंक सो मेरे ख्याल में असाइनमेंट में ही था, तो उसमें भी आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखी होगी, उसमें भी एन माइनस वन है और यहाँ पर भी एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर सैंपल, जो सैंपल की वैल्यू है आपके नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो 25 है, और एन माइनस वन 25 माइनस वन। कैलकुलेट अगर हम करें टेस्ट स्टैटिस्टिक को, इसने ये वाला फार्मूला एन माइनस वन का यूज़ किया है, एंड इफ़ यू वांट कि अगर आप वो जो आपको दूसरा फार्मूला यूज़ किया था, तो फिर आप यहाँ पे एन और कैपिटल एस केयर और साथ में सिग्मा नॉट स्केयर यूज़ करेंगे। एस केयर की वैल्यू 3.5 ली है, 3.5 स्केयर, सिग्मा की वैल्यू 7.2 स्केयर, एन 25 है आपके पास, माइनस वन किया, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है जी। अब जो है एज की काई स्केयर बेटा पॉजिटिवली जो है वो आपके पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी शेप देखिए, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसकी हम सिमेट्रिक शेप बनाते थे, लेकिन काई स्केयर की शेप जो है वो स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है। अच्छा जी, और आपको जैसे मैंने दिखाया था उसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास लेफ़्ट टेल केस हो तो हमें क्रिटिकल रीजन कैसे बनाना है, तो इसको अगर मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूँ, तो ये देखिए, अगर आपके पास लेफ़्ट टेल केस है, मीन सिग्मा स्क्वायर लेस देन है सिग्मा नॉट स्क्वायर के, तो क्रिटिकल रीजन आप कैसे बनाएंगे, क्रिटिकल रीजन आपका बनेगा काई स्क्वायर लेस देन होगा काई स्केयर वन माइनस एल्फा और एन माइनस वन। फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर लेस का केस है तो यहाँ जैसे ग्रेटर का केस है तो ऐसे बनाया है, तो लेस के केस में आपने कैसे लिखना है, काई स्केयर लेस देन काई स्केयर वन माइनस एल्फा और एन माइनस वन। एल्फा आपके पास यहाँ पे 0.05 है, तो अगर आप इसको 1 माइनस 0.05 करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 0.95, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास है जी 24, एन माइनस वन है, तो काई स्केयर अगर एक बार आपको फिर मैं यहाँ से दिखाऊं, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि काई स्केयर आपने लेना है 1 माइनस एल्फा और एन माइनस वन, एन माइनस वन हमारे पास 24 है और ये है 0.95। तो अगर इसकी टेबल वैल्यू हम देखें, तो आप इसको थोड़ा अगर हम जूम कर लें, आई होप कि ये वैल्यूज आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी जी। अगर 0.95 आप यहाँ पे देखिए, 0.95 ये टेबल, ये सारी जो है ना मटेरियल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, यहाँ पे ये टेबल है काई स्क्वायर के लिए, 0.95 इधर से देखेंगे आप, और एन की वैल्यू हमारे पास है बच्चे 24, तो अगर हम ये देखें तो 24 और 0.95, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 13.85। तो अगर हम देखें इसमें 13.85, और क्योंकि आप लेफ़्ट टेल केस है, तो आप देखें कि लेफ़्ट टेल पे हमने क्रिटिकल रीजन बनाया है, मींस ये जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, और ये जो ब्लू एरिया या पर्पल शेडेड एरिया है ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है। आपका वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो 13.85
आई है और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो बचे 5.67 है. अब आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड कि वेयर योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ गोइंग टू फॉल. आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है 5.67, तो ऑब्वियसली 5.67 13.85 से छोटी वैल्यू है तो वो इससे पीछे आएगी वैल्यू. तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो शेडेड एरिया में आ रही है, मींस रिजेक्शन रीजन में आ रही है. रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो रिजेक्शन रीजन मींस कि आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर रही हैं, इसमें आप इसको रिजेक्ट कर रही हैं. इसमें द ग्राफ ऑल्सो मार्क्स दैट द कैलकुलेटेड टेस्ट स्ट्रेटजीज कंपेयरिंग दिस टेस्ट विद द क्रिटिकल वैल्यू एज वी हैव डन विद ऑल अदर हाइपोथेसिस टेस्ट वी रीच द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है, बिकॉज द कैलकुलेटेड test statistics in the tail we cannot accept h naught and this means that you rejected, aapne ye reject kar diya hai ki ye isse ke aapka jo sigma square hai wo 7.2 square se greater hai. In other words, you do not think that the variation in waiting time is 7.2 minutes or more, you think that the variation in waiting time is less. अब अगर आप देखें तो हमने सैंपल जो टेस्ट किया था या सैंपल लिया था वो बता रहा था 25 कस्टमर्स को लेके जो हमने टेस्टिंग की थी कि अगर सिंगल लाइन भी हो तो हर कस्टमर को ऑन एवरेज उनकी जो वेरिएशन है स्टैंड डेविएशन है वो 3.5 मिनट्स है, जबकि पैरामीटर शो हो रहा था कि 7.2 मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ा है. तो हमने रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस को कि 7.2 मिनट्स या उससे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे लेस जो है हमें वेट करना पड़ेगा. आई होप के इसका इंट्रोडक्शन और इसकी इंट्रोडक्टरी एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाए. उसके अलावा ये जो मटेरियल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका लिंक भी बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और जो बुक का मटेरियल है वो सब कुछ आपको मैं ग्रुप के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में वो सब कुछ आपके साथ शेयर. ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे.